साल 2023 का पहला सुपर मून 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाई दिया था। गुलाबी रंग के इस सुपर मून ने पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया था। इसे बक मून भी कहा गया है। जानकारी के मुताबिक एक साल में कुल 3 या 4 सुपर मून होते हैं, जिनमें से 3 जुलाई को पहला सुपर मून नजर आया था, तो वहीं अगले 2 सुपर मून अगस्त में दिखाई देंगे और इस साल का लास्ट सुपर मून 29 दिसंबर को नजर आएगा। तो चलिए जानते हैं ये सुपर मून होता क्या है और किन परिस्थितियों में नजर आता है और इसे बक मून क्यों कहा जाता है। सुपर मून क्या है? सुपर मून ये एक खगोलीय घटना है जिसमें चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थिति में आ जाता है। सबसे करीब होने की वजह से पृथ्वी से चांद सामान्य रूप से ज्यादा बड़ा और 14% अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। सबसे पहले 1979 में एस्ट्रोलॉजर रिसर्च नोल ने इसका नाम सुपरमून रखा था। सुपरमून को लगातार देखा जा सकता है। आमतौर पर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,400 किलोमीटर होती है, लेकिन 3 जुलाई को जब पहला सुपरमून दिखाई दिया था उस दिन पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 357,264 किलोमीटर थी। जब भी यह घटना होती है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाती है। धरती से नजदीक वाली स्थिति को पेरोगी और दूर वाली स्थिति को अपोगी कहते हैं। इस खगोलीय घटना को देश दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में सुपरमून को रास्पबेरी मून, थंडर मून, सैल्मन मून और हॉट मून कहते हैं। क्यों कहा जाता है इसे बक मून? 13 जुलाई 2022 को जब सुपरमून दिखाई दिया था तब इसे बक मून नाम दिया गया था। इसका नाम हिरण के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि इस दौरान हिरण के सिर पर नए सींग उगाते हैं। 2018 में एक साथ नजर आया था सुपरमून, ब्लू मून और ब्लड मून। 31 जनवरी 2018 को एक दुर्लभ खगोलीय घटना लोगों को देखने को मिली। ये मौका था ब्लड मून, सुपर मून और ब्लू मून का। दरअसल जब फुल मून महीने में 2 बार होता है तो दूसरे वाले फुल मून को ब्लू मून कहते हैं। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है तो उसे ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून उस स्थिति में दिखाई देता है जब सूर्य की रोशनी बिखरती हुई चांदनी तक पहुंचती है। इस बात को इस तरीके से समझा जा सकता है कि परावर्तन के नियम के अनुसार जब हमें कोई भी वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। बता दें कि सबसे लंबी वेवलेंथ लाल रंग की होती है और सूर्य से सबसे पहले वही चांद तक पहुँचती है जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है और इसे ब्लड मून कहते हैं। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।